पाकुड़ जिले में आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसी कुलदीप चौधरी ने नगर परिषद के कार्यपालक पद अधिकारी व सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पद अधिकारी व आंचल अधिकारी को छठ घाटों की साफ सफाई व अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस क्रम में बुधवार को उपयुक्त कुलदीप चौधरी समेत अन्य अधिकारियों शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उसके साथ अनुमंडल पद अधिकारी प्रभात कुमार, आंचल अधिकारी आलोक वरण केशरी, नगर पंचायत के कार्यपालक पद अधिकारी गंगाराम ठाकुर आदि उपस्थित थे। साथ ही साथ निरीक्षण क्रम में उपयुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने रामसागर पोखर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उपयुक्त ने पर्व से पूर्व घाट की अच्छी तरह से साफ सफाई करने की बात कही ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की भी परेशानी ना हो। उपयुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि बदली परिस्थितियों में कोविड के संक्रमण के दौरान ये समय है, बहुत ही ये क्रिटिकल टाइम है। इस समय सभी लोगों से जिला प्रशासन यही अपील करता है कि यथासंभव अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें, परंतु अगर घाट पर जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क इत्यादि का जरूर लगाएं, और जिस व्यक्ति को भी संक्रमण के किसी प्रकार के लक्षण लगते हैं तो अपने घर पर ही रहें और चिकित्सीय जांच कराने के बाद ही घाट पर पहुंचें। समिति वाले क्या आश्वासन दिए सर? समिति के लोग ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि वो जिला प्रशासन की और सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उसमें सहयोग प्रदान करेंगे और स्वयं अपनी ओर से भी वॉलंटियर्स को उसी तरह ब्रीफ करके स्पॉट पर लगाएंगे। पाकुड़ से काजरुल शेख के साथ रिजवाना परवीन की रिपोर्ट, एडीएन लाइव इंडिया।